चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा का चुनाव होना है। इस वक्त हम खड़े हैं सुरगरा प्रखंड के मंझियामा गांव में। यहां पर ग्रामीणों ने एक बोर्ड लगा रखा है मतदान बहिष्कार का, और मुद्दा है पीने का पानी नहीं तो वोट नहीं। आज़ादी के इतने साल भी इस गांव के लोग पानी से महरूम है, जो मूलभूत सुविधा है सरकार के द्वारा, उस सुविधा से आज भी ये लोग वंचित है। यहाँ पर हम लोगों की राय जानेंगे कि आखिरकार ये बोर्ड लगाने का नौबत क्यों आया इनको। आप बताइए, ये बोर्ड मतदान बहिष्कार का बोर्ड क्यों? पानी नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। सरकार यहाँ पे आते हैं और आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं कि पानी मिलेगा, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद यहाँ पानी का बहुत नहीं देते हैं सरकार, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग 29 तारीख को मतदान बहिष्कार कर रहे हैं। कहाँ से लाते हैं पानी? पानी हम लोग 3 किलोमीटर की दूरी से जा करके लाते हैं पीने का पानी। हमारे गाँव में दूसरे गाँव से पानी लाते हैं और हमारे गाँव में पानी का बहुत बड़ा किल्लत है। यहाँ पर और सारे लोग हैं, बताइए आखिर क्या परेशानी है यहाँ पर मतदान बहिष्कार का आपने बोर्ड लगा रखा है? यहाँ पीने का पानी नहीं है, इसीलिए हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। पानी जो हम लोग है 3 किलोमीटर दूर धबोखर और इधर उरेन से लाते हैं पानी पीने के लिए। तो सरकारी या प्रशासन की तरफ से टैंकर वगैरह यहाँ नहीं भिजवाए? टैंकर देती है, लेकिन वो भी पानी बिल्कुल गंदा है, जो कि पी नहीं सकते हैं, बिल्कुल बदबू करता है वो पानी। तो चुनाव का टाइम है, यहाँ पर नेता लोग तो आते होंगे वोट? हाँ बिल्कुल आते हैं और वो आश्वासन दे करके जाते हैं, लेकिन फिर घूम करके नहीं आते हैं कि हम मतलब देखेंगे कि आपका क्या स्थिति है। तो पानी यहाँ पर बड़ी समस्या है, पानी के चलते यहाँ पर लोग परेशान हैं। 3 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या बताइए क्या परेशानी है। पानी के परेशानी है सर, क्योंकि हर समय वोट देते हैं, लेकिन बगल में देखते हैं कि ये गांव का लिए पानी नहीं है, फिर भी वोट ले लेता है, पानी देने का कोई सुविधा नहीं देता है। इसलिए हम लोग जनता लोग इधर से लाओ उधर से लाओ, उससे बात बोली सुनो उससे लाओ, कितना तक के हर खेती करेंगे तो पानी आएगा। मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं, बताइए क्या परेशानी है? हाँ सर, हम तो यह गाँव कहते हैं कि वोट ले लेता है जनता लोग से, आदमी से ले लेता है, लेकिन कहता है कि हम देगा, लेकिन नहीं देता है। जनता लोग मर जाता है तब भी घूर के नहीं तकता है। हम बहुत दूर से पानी लाता है, टैंकर के 3 महीना देगा, फिर कर कुटुम्ब बर्तुहारी न धसता है, लेकिन ये परिणाम है, क्या करेगा जनता लोग के। हमारे साथ देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ये महिला है हमारे साथ जो पानी लेके, कहाँ से पानी लेके? 3 किलोमीटर से आ रहा है पानी लेके, बहुत दूरी से पानी तो उरन से नहीं है, पानी ना कहाँ पानी रहता है, उतना दूरी से पानी लेके उरन से पानी 3 किलोमीटर से पानी लेकर रहा है। तो चुनाव का टाइम है, नेता लोग आते हैं तो उनसे आप नहीं कहते कि पानी का यहाँ? कहते हैं, नेता के भी कहते हैं, कोई भी आते हैं तो कहते हैं, तो वो बोल के कहते हैं तो चल जाते हैं, कह के हाँ ये चीज कर देगा ये चीज कर देगा, करता है कुछ नहीं। तो कोई आज तक मतलब लोग यहाँ पर पानी का व्यवस्था ना, पानी की व्यवस्था रहते तो इतना दूर से अपनी पानी लेती है हल उरन से पानी। तो ये मंझियामा गांव के लोग हैं जो 29 तारीख को मतदान का बहिष्कार करेंगे। मुद्दा एक है पीने का पानी का, पानी की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो ये लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। संजीव कुमार, कशिश न्यूज, मंझियामा गाँव।